कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हम आज आपको हर एक नगर के बारे में बताएंगे पूरा विस्तार से। चलो सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं किसके और क्या क्या नाम हैं, ये सब कुछ अन्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता के और क्या नाम है। इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो पहला नगर मिला उसके नाम पर हड़प्पा नगर के नाम पर हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी और सरस्वती सभ्यता के पास में मिली इसलिए इसका नाम रख दिया सिंधु सरस्वती सभ्यता। काशयुगीन सभ्यता, काशयुगीन सभ्यता इसलिए क्योंकि यहाँ पे काशा का यूज़ होता था इसलिए इस सभ्यता का नाम काशयुगीन सभ्यता रख दिया गया। भारत की प्रथम नगरी सभ्यता, यह भारत की प्रथम नगरी सभ्यता थी। कल हमने आपको बताया था कि पहले गांव बने, फिर बस्ती बने, फिर कृषि का धीरे धीरे कृषि की जाने लगी। कृषि की जाने लगी तो पैदावार बढ़ गई, पैदावार बढ़ने से विकास हुआ और धीरे धीरे गांव शहर की तरफ डेवलप होने लगे इसलिए इसे प्रथम नगरी सभ्यता कहा गया है। आदियुगीन सभ्यता, आदियुगीन सभ्यता कैसे? क्योंकि इसका हमें कोई लिखित विवरण है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए इसलिए इसे इस सभ्यता का नाम क्या दिया गया है, आदियुगीन सभ्यता। सबसे पहले 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा हड़प्पा के बारे में जानकारी दी गई। जो चार्ल्स मेसन है इन्होंने देखा कि एक ऊंचा टीला जैसा कुछ दिख रहा है तो इन्होंने जाके अंग्रेजों को बताया कि यहाँ पे कुछ टीला जैसा कुछ है, लेकिन अंग्रेज थे उन्हें भारत से क्या मतलब, इसलिए उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जो टीला जहाँ की बात थी वहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ठीक है। फिर 1856 में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस समय ब्रिटेन बंधुओं द्वारा लाहौर कराची लाइन बिछाते समय पक्की ईंटें प्राप्त हुई तो इन्होंने बताया कि पक्की ईंटें प्राप्त हुई मतलब यहाँ पे नीचे कुछ है, इसकी खुदाई करवाना चाहिए। तो फिर कनिंगम महोदय द्वारा इसके तरफ ध्यान दिया गया। फिर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप बस द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कराया गया। किसके द्वारा? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप बस द्वारा हड़प्पा का उत्खनन कराया गया और इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। सबसे पहले मतलब 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। किसके निर्देशन में? जेएल मार्शल के। किसके? जेएल मार्शल के। याद रखना किसके निर्देशन में? जेएल मार्शल के निर्देशन में। खोज दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। किसके निर्देशन में? जेएल मार्शल के। निर्माता कौन थे? ठीक, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के निर्माते भूमध्य सागरी थे, द्रविड़ लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। विस्तार कैसे देखेंगे हम? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। हमें से याद रखना ऊपर हम उत्तर को मानते हैं मैप में और नीचे दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये हमारा उत्तर होगा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में भी था, ठीक है। उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है 1400 किलोमीटर, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो कितना है? 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। त्रिभुजाकार कैसे? ये त्रिभुजाकार सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। ये देखो यहाँ पे जो नगर है कहाँ, ये मांडा, रोपड़, राखीगढ़ी, बनावली, शिशवल, कुनाल, कच्छ, धोलावीरा, ये दायमाबाद महाराष्ट्र में है। फिर आलमगीर, फिर खंबात की खड़ी में लोथर, रंगपुर, कुतारी, भगतराव, बलूचिस्तान, ये बालाकोट, सुतकंगडोर, डावरकोट, मोहनजोदड़ो, चहनूदड़ो, आमेर, कोटजी, हड़प्पा पंजाब में है, ये डेरा मैच, ये चकपुरी आदि, ठीक है। तो ये एक प्रकार से त्रिभुजाकार सभ्यता है। हमने बताया कि इसका उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर है। ये भारत तथा अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक विस्तृत थी।
एक बार फिर से ध्यान देने योग्य बातें हैं कि उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। याद रखना, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। देखो अब उत्तर में मांडा चिनाब नदी, उत्तर में मांडा चिनाब नदी, ये याद रखना कि चिनाब नदी के तट पर उत्तर में चिनाब नदी है और उत्तर में मांडा है। फिर दक्षिण में क्या है, दक्षिणी स्थल देमावाद महाराष्ट्र और पवरा नदी है। कौन सी है? पवरा नदी। पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, हिडन नदी। कौन सी नदी? हिडन नदी और आलमगीरपुर। पश्चिम स्थल सुतकांगड़ो पश्चिम स्थल है। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीर और पश्चिम में सुतकांगड़ो। याद रहेगा और नदी याद रखना, ठीक है। फिर काल निर्धारण, तो काल निर्धारण हुआ कि मतलब ये सभ्यता कब से कब तक थी, तो इसमें सबसे प्रचलित है रेडियो कार्बन विधि के द्वारा 2350 से 1750। ये सर्वाधिक मान्य है और इसे ही याद रखना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। देखो अब तक इस सभ्यता के 1500 स्थल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7 नगरों की संख्या दी जाती है। मतलब 7 नगर महत्वपूर्ण हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोहंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, बनावली। ये ऐसे स्थल है जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे हड़प्पा, हमने बताया था कि सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसी के नाम पर, प्रथम खोजे गए नगर के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ये कहाँ पे है? यह पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत में, याद रखना। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत के मोंटगोमरी साहिवाल जिले में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान के साहिवाल जिले में, मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसमें ये हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा था, इसमें जो पश्चिमी टीला है वो दुर्ग और प्राचीर से घिरा होता था और जो पूर्वी टीला है वो सिंपल रहता था। यहाँ पे आम लोग रहते थे, मध्यम वर्ग के लोग, आम जनता, शिक्षक, मजदूर रहते थे। लेकिन जो दुर्ग से घिरा होता था, यहाँ पे प्रशासक, पुरोहित रहते थे, मतलब सामान्य वर्ग सिंपल रहते थे और जो प्रशासनिक वर्ग है, पुरोहित है, वो दुर्ग से घिरे हुए किले में रहते थे। मतलब नगर दो भागों में विभाजित था, एक पूर्वी नगर, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पश्चिमी टीला में दुर्ग बना था, दुर्ग से घेरे थे, मतलब एक प्रकार से उन्हें रक्षा की ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें उनके आसपास दुर्ग बने थे। लेकिन आम लोगों के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मध्यम लोग, आम जनता, शिक्षक, मजदूर रहते थे। हड़प्पा सभ्यता से हमें एक 15 श्रमुख के आवास का साक्ष्य मिला है। मतलब ये एक प्रकार से इस टाइप का मिला है, यहाँ पे 15 छोटी छोटी क्वार्टर मिली है और यहाँ पे वो मिला है अन्न रखने के लिए, कोठियाँ मिली हैं यहाँ पे अनाज रखने के लिए। 6-6 पंक्ति में कुल 12 कमरों का अन्नागार का साक्ष्य मिला है। छोटी छोटी क्वार्टर मिले जहाँ पे मजदूर श्रमिक रहते थे। गर्भ से पौधा निकलने का साक्ष्य मिला है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि गर्भ से पौधा निकलने का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हमें बताना पड़ेगा ये हमें हड़प्पा सभ्यता से मिला है। हड़प्पा के दुर्ग को माउंट एवी नाम दिया गया है और यहाँ पे एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम दिया गया है R37। बाद में एक और समाधि मिली है जिसे समाधि एच नाम दिया गया। तो यहाँ पे हमें कहाँ से क्या मिला ये इम्पोर्टेंट है, तो हमें ये याद रखना होगा, ठीक है। फिर है मोहनजोदड़ो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यह कहाँ है? यह भी पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की जनसंख्या 35 से 40 हज़ार थी, संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जेल मासन के अनुसार 7 बार बाढ़ मिली, मतलब 7 लेयर मिली है यहाँ पे, 7 बार बाढ़, ठीक है। इसे क्या क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है, प्रेतों का टीला कहा जाता है, सिंध का बाग, स्तूप का टीला, ये एक सब कुछ कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो से हमें विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला है, ठीक है। अन्नागार से क्या तात्पर्य? आप अन्नागार से क्या समझते हैं? अन्नागार से मतलब आज के बेयर हाउस, स्टोरेज। उस समय बताओ, उस समय की सभ्यता में हमें स्टोरेज, बेयर हाउस मिले, अन्नागार का साक्ष्य मिला। विशाल सभा भवन का साक्ष्य मिला, सभा भवन मतलब सभाएं होती थी, इस बात का सबूत होता है। महाविद्यालय का साक्ष्य मिला, नृत्य करती नारी की कांसे की मूर्ति मिली, पशुपतिनाथ की मूर्ति का साक्ष्य मिला है, प्रत्येक घर में कुआं का साक्ष्य मिला है, सर्वाधिक मोहरे का वास मिला है, मतलब सबसे ज़्यादा मोहर मोहनजोदड़ो में थी, कपास का साक्ष्य मिला है, मतलब सबसे पहले कपड़े का मतलब आविष्कार अपने भारत में ही हुआ है, भारत वालों ने ही कपड़े पहनना सिखाए हैं, कपास का साक्ष्य मिला है। यहाँ से एक पशुपतिनाथ की मुहर मिली है जिसमें एक साइड है, यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ दिखाया है और उसमें एक साइड हाथी, गेंडा,
बाघ, भैंसा, नीचे दो हिरण, इस टाइप से एक मुहर मिली है। ये पूछता है क्वेश्चन में कि पशुपतिनाथ की मुहर में कितने जानवर थे और कौन कौन से थे, कौन से नहीं थे। तो हाथी, गेंडा, बाघ, भैंसा, हिरण। हिरण नीचे है और बाघ, एक साइड बाघ एक साइड भैंसा, हाथी, गेंडा, ये याद रखना। देखो मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला है, विशाल सभा भवन का साक्ष्य मिला है, महाविद्यालय का साक्ष्य मिला है, नृत्य करती नारी की कांसे की मूर्ति का साक्ष्य मिला है, पशुपतिनाथ की मूर्ति का साक्ष्य मिला है, प्रत्येक घर में कुआं का साक्ष्य मिला है। याद रखना, पूछते हैं ये एग्जाम में कि प्रत्येक घर में कुआं का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये हमें बताना पड़ेगा कि ये मोहनजोदड़ो से मिला है। कपास का साक्ष्य सबसे पहले मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है। जेल मार्शल ने उस समय कहा कि यह विश्व की आश्चर्यजनक निर्माण है, विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण था जो स्नानागार मिला है। आज का स्विमिंग पूल, उस समय का जो स्नानागार है आज का स्विमिंग पूल, और जेल मार्शल ने कह भी दिया कि यह विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण है। सिलवट्टा का साक्ष्य मिला है तथा मिट्टी के तराजू का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, कपास का साक्ष्य भी मिला है। अब देखो, जो विशाल स्नानागार मिला है उसको जेल मार्शल ने कहा कि यह विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण था। तो ये इसकी लंबाई देखो 11.88 मीटर है। लंबा कितना था? 11.88 मीटर। चौड़ा था 7.01 मीटर। गहरा था 2.43 मीटर। ये इस प्रकार से बीच में ऐसा कुंड था, यहाँ से सीढ़ियाँ थी, इधर ये पुरोहित के लिए था, यहाँ पे पुरोहित के लिए आवास, इधर ये कुआं से पानी आता था और यहाँ से नालियाँ थी। यानी एक प्रकार से बहुत अच्छा था, एक आश्चर्यजनक निर्माण था यह सिंधु मोहनजोदड़ो का। ठीक है, कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ बताइएगा और कमेंट कीजिएगा, और मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।